हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड। कल काफी दिन के बाद मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, इसमें श्रृंखली की वीडियो आपका दिखा रहा हूँ। मैं काफी दिनों के बाद शूट हो रहा है, क्योंकि गर्मी और हीट वेव की वजह से सरवाइव नहीं कर पा रहे थे। ना तो मैं कर पा रहा था और ना मेरा ये टीम है श्रृंखली। तो काफी ज्यादा गर्मी थी जिसकी वजह से वीडियो शूट नहीं की। तो आज काफी दिन, कल शाम को बारिश वगैरह पड़ी, मौसम भी सही है, जिसकी वजह से मैंने यहाँ सोचा चलो आज वीडियो शूट कर देता हूँ। तो फ्री टाइम बैठा था तो सोचा मैंने वीडियो ही शूट कर लूँ। काफी ज्यादा अभी भी गर्मी लग ही रही है फिलहाल। तो शैंकी आज घर पर आया है, पापा ने नहलाया इसको, तो जैसे 2-3 बार नहला चुका है। और गर्मी की वजह से बहुत तो ज्यादा तेज हो तो नहलाया नहीं था। तो सोचा चलो अब नहला दे, शाम हो गई है, आने का थोड़ी देर सो जाएगा। तो देखो पहले घूम के बाहर लेटा हुआ था बरांडे में, अभी आकर सीधा स्टोव पे आ गया। देखो भाई स्टोव है, गर्मी खा रही है, सही नहीं है। तो स्टोव पे आकर लेट गया। अकेला रहना पसंद नहीं करता, इसके पास कोई ना कोई होना जरूर चाहिए। और अकेले ये सोता नहीं है जरूरी, अगर हम लोगों को खुद जाना भी हो ना, काफी सोचना पड़ता है कि भाई जाएं या रहने दें, क्योंकि ये अकेला रहता नहीं है। और मेरे या मेरे पापा के यहाँ ना रहने के बाद अगर कोई इसके पास आता भी है तो काफी ज्यादा गुस्सा भी होता है फिर, कि भाई जब मालिक है नहीं तो आप लोग क्यों आए हो मेरे पास। शायद सोचता होगा कहीं मेरे को छोड़ तो नहीं गया। तब देखो दुकान पे सो रहा है एकदम मस्त नींद में, वो काफी दुबला भी हो गया गर्मी की वजह से। काफी ज्यादा ध्यान भी रखा गया है, इलेक्ट्रॉल वगैरह इसको खिलाया गया, तो भी गर्मी की वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। तो मेरे को खुद को सोफे में बैठा था तो काफी ज्यादा गर्मी लग रही, जिसकी वजह से काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। फिलहाल कल तो मौसम था, शाम को सही हुआ तो अब जाकर शॉप पे अभी सही कहीं कम हुई है अभी तो। ये सेंकी ओ बुगु बुगु ओ बुगु निन्नू कर रहा है मेरा बेटा, बुगु निन्नू कर रहा है भैया कहाँ पर है? ये गर्मी में से देखो डॉग्स की आंख्स पे आइस पे तो नहीं लगता, सर्दी का मौसम आएगा तो सही हो जाएगा, फेस भी सही हो जाएगा, बॉडी भी। क्योंकि गर्मी में चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, कितना भी खा पी ले तो बॉडी उतनी एक्टिव नहीं रहती है। और सर्दी के मौसम में नॉन वेज वगैरह सब देते हैं, लेकिन गर्मियों में हम लोग नहीं देते, अवॉइड करते हैं। क्योंकि हम लोगों को जब इतनी गर्मी लग रही है, ये तो बेचारे बेजुबान, तो इनकी कितनी लगे वो बेचारे बता नहीं पाते हैं कुछ। चलो महसूस तो करते हैं, तो उस हिसाब से हम लोग को भी देखना पड़ता भाई, जानवर है कहाँ तक वो झेल पाएगा। भाई जितना होता उतना कर लेते हैं। तो प्लीज आप लोग भी अगर डॉग्स वगैरह को ज्यादा गर्मी लग रही है, कोशिश करो कि उनको दिन में 4 से 5 बार तो नहला दो, ताकि उनके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रह सके। बहुत से लोग हैं वो डॉग्स शो ऐसे मजे मजे में ले तो आते हैं खेलने के लिए, लेकिन उनको पता ही नहीं होता है कि भाई उनका भी ध्यान रखना उनका भी है। चलो कोई नहीं है, अगला बता नहीं पाता है, लेकिन ये कि मन में सोचता होगा भाई मेरे को ले आए और ध्यान कोई भी नहीं रख रहा है। तो प्लीज भाई बच्चों के कहने पे अगर डॉग लाते हो तो उतना उसका केयर भी करो। अगर केयर नहीं करोगे वो बेचारा किसके सहारे जिएगा। फिर आप लोग कहते हो भाई डॉग बीमार हो गया ये वो, तो रोड पे ऐसे ही छोड़ देते हैं बेचारे, ना भाप आते हैं कुछ, और दूसरे कुत्ते भी उनको परेशान करते हैं। तो गर्मी जितनी ज्यादा पड़ रही है तो मैं तो यही कहूंगा कि जितना आप इनको नहला पाओ, इलेक्ट्रोल वगैरह ये देते रहो, मठा छाँक दही वगैरह मिक्स करके रोटी में दो, और कोशिश करो कि इनको ज्यादा नहलाया जाए। क्योंकि जो बॉडी का टेम्परेचर है इंसान की बॉडी से ज्यादा हाई होता है। तो बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर मिलेंगे, क्योंकि अभी तो शंकी नहा लिया है और सो रहा है, रेस्ट कर रहा है, तो इसलिए अभी ज्यादा शूट नहीं कर पाएंगे। हाँ शंकी चलो फिर मिलते हैं।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।